हेलो फ्रेंड्स, आपका एटेटिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं यह टेबल मैट जो है मोर के पंख के डिज़ाइन पे लेकर के आई हूँ। इसे कैसे बनाया गया है उसके बारे में बताऊंगी। साथ में इस डिज़ाइन का यूज हम कैप बनाने में भी कर सकते हैं और टेबल मैट में भी, डोरमेट में भी। डोरमेट में यूज़ करने के क्रम में हम पर्ल यूज नहीं करेंगे और यहाँ पर ऊल से ही इसको बना लेंगे। और यह इसका इस डिज़ाइन का यूज हम कान्हा के ड्रेस के लिए भी कर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। कान्हा का ड्रेस भी बनाने में सेम प्रोसेस है, थोड़ी सी बीच की प्रोसेस जो है, ये सेंटर पार्ट जो है वहाँ पे एक चोली बनानी होती है। इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में अगले वीडियो पे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं इस टेबल मेट को बताने जा रही हूँ कि इसे कैसे बनाया गया है। तो आइए इसे बनाना सीखें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से इसे सब्सक्राइब कर लें। इस कलर से पंख बनाऊंगी। पंख बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये कलर लेना है और इस कलर से इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बीच से निकालेंगे और इससे तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3। और सेम होल पे हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, एक यह 1 है और इसको लेकर के 2 हो गया, 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया बनाया। थोड़ा सा टाइट रखेंगे। अब इस पे ब्लू उल लगाएंगे। ब्लू उल लगाकर इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम होल पे। 9 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। 1 2 3 4 5 4 5 6 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बना लिया गया। अब इसे खींच लेंगे इस तरह से, तो ये हमारा सर्कल के रूप में आ जाएगा। इस तरह से यह सर्कल बन गया। अब यह जो तीसरे चैन लिए है ना, इस चैन पे हम स्लिप कर लेंगे। और स्लिप करने के बाद अब इस पे हम लगाएंगे ऑरेंज कलर के ऊल। इस ऑरेंज कलर के ऊल लगाकर हमें बाकी ये दोनों को कट करके हटा लेने हैं। अब इस पे हमें क्या करना है ना, सेम हुक पे इस तरह से बनाएं, इसे कट कर लेते हैं। अब इस पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अगेन उसी हुक पे हमें 2 बनाने हैं। अब यानी प्रत्येक हुक पे हमें डबल डबल सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इस धागे को साथ में लेके ही बनाएंगे, तो ये हमारा अंदर होता चला जाएगा। और इस तरह से हम प्रत्येक हुक पे सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे सेकंड राउंड को। इस तरह से ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया गया। इससे अब लास्ट यहाँ पे जो फर्स्ट चैन था ना, उस पर हमें इसे स्लिप कर लेने हैं। और इस पर अब ऐड करने हैं ग्रीन कलर के। अब ग्रीन उल से इसके बाहर का लुक बनाएंगे, ऐड करेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। और इस धागे को लेते हुए अब प्रत्येक हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाने हैं। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फिर बताती हूँ। इस तरह से हमें इस पे 12 सिंगल क्रोशिया ग्रीन से बनाने हैं। जैसे कि 1 2 बनाया, 3 4 5 6 7 8 9
टेन, इसमें ट्वेल्व नहीं टेन बनाने हैं, जो कि यह है इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग। अब यहाँ पे हमें हाफ क्रोशिया बनाने हैं, डबल क्रोशिया, हाफ एक बनाया, नेक्स्ट होल पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ये हाफ डबल क्रोशिया एक बनाया डबल, ये देखिए डबल बना। अब नेक्स्ट हुक पे हमें सिंगल डबल क्रोशिया एक बनाने हैं, नेक्स्ट हुक पे हमें दो सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, वन एंड सेम हुक पे टू, टू बनाया। अब दो बार लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, एक बार बनाया फिर दो बार लपेटेंगे, नेक्स्ट हुक पे वन टू थ्री, दो बार लपेटेंगे, नेक्स्ट हुक पे डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। अब तीन बार लपेटेंगे, तीन बार लपेटा, नेक्स्ट हुक पे वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया बनाया, फिर वन टू थ्री लपेटा, नेक्स्ट हुक पे वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट हुक पे अगेन फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम हुक पे, वन टू थ्री फोर, फोर बनाया। अब वन दो बार लपेटेंगे, टू यानी थ्री ट्रिपल बनाने हैं, वन टू थ्री, अगेन टू बार लपेटेंगे सेम हुक पे, वन टू थ्री। जैसे इधर बनाया गया था ना, सेम प्रोसेस को यहाँ भी एंड करेंगे, टू अगेन दो बार लपेटा, अगेन वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाना है, टू बनाने हैं, वन नेक्स्ट सेम हुक पे वन टू, नेक्स्ट सिंगल बनाने हैं, अब हाफ डबल क्रोशिया, वन हाफ डबल क्रोशिया सेम हुक पे टू हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट हुक पे वन हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इस पे वन, नेक्स्ट जो है हुक सारे हुक पे हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ एंड करेंगे स्लिप करके, ये हमारा मोर पंख तैयार हो गया है। अब बाकी डेकोरेशन हम उस पर अटैच करने के बाद बताएंगे। इस तरह से हमें ट्वेल्थ पंख तैयार कर लेना है, हो गया। अब इसे हमें सिलना है, सिलने के लिए ये देखेंगे इसके किनारे तरफ से, यानी कि इससे ऐसे रखेंगे, हाफ पोर्शन इधर से देखेंगे, यह जो है अर्धचंद्राकार जो है ऐसे करके रखना है और इसे हमें सिलना है, सिलने के लिए इसे सिलना है, यानी कि यह येलो कलर वाले से, येलो कलर वाले के पास से धागा को उठाएंगे और इस तरह से हमें यहां से यहां तक सिल लेना है। येलो कलर से ही सिएंगे तो हमें धागे का पता नहीं चलेगा और यहां से यहां तक सिल लेना है। यहां देखेंगे एक स्टिच हो गया है। अब इसे अंदर की ओर करते हुए नेक्स्ट इसी धागे से सिलाई करना है, इसे तोड़ने नहीं है। फिर इस तरह से सेट करेंगे और इसके बराबर कर लेंगे, बराबर करते हुए बैक तरफ से लगाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सारे को स्टिच कर लेना है। ऐसे ये सारे पंख जो है
जोड़ लिए गए हैं, ये स्टिच हो गया है। अब मैं इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी। अब नीले रंग के ऊल से हमें ये बाहरी इसके पंख को थोड़ा सा और आउटलुक देना है। उसके लिए ये देखिए, ये दोनों बीच का ये सेंटर है ना, इससे हमें इसे निकाल लेंगे ऐसे, और इससे सटे हुए जो हुक है उस हुक पे हमें इस तरह से निकाल लेना है, और इसमें 1 2 3 हुक बनाएंगे। थ्री हुक को फिर लास्ट वाले हुक है ना यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किए थे क्रॉस सिंगल क्रॉस या सिंगल क्रॉस या पे इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। अगेन नेक्स्ट हुक पे हमें सिंगल क्रॉस या बनाने हैं, और फिर 1 2 3 चैन लेंगे, और फिर जो सिंगल क्रॉस या है उससे हम इस तरह से नेक्स्ट हुक पे अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे, 1 2 3 और फिर सिंगल क्रॉस या से इसे जोड़ देंगे। नेक्स्ट फिर यह प्रक्रिया हम इसे पूरे राउंड तक दोहराएंगे यहाँ तक। अब देखेंगे यह पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट हुआ हाफ, और फिर यहाँ सीधे इसे इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। इसे ज्वाइंट करने के लिए इस लीफ को लेंगे, इस लीफ का कॉर्नर के साथ और ब्लू वाले भाग को इस तरह से देखेंगे, इस तरह से स्टिच करते हुए दोनों को एक साथ लेंगे, और फिर इस पर सेम प्रोसेस दोहराएंगे। तीन चैन और फिर हुक से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट हुक पे, इस तरह से अगेन रिपीट करते हुए सारे फ्लावर पे आउटलुक बना लेंगे। मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। यह कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी। आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, बिना डेकोरेट के भी रख सकते हैं। बिना डेकोरेट से थोड़ा सा ये आधा अधूरा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर्ल से इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। अब कुछ पर्ल को हम सुई में पिरोएंगे। सुई में पिरोने से पहले ये जैसे ये सेंटर है ना इसका, ये पार्ट यहाँ से यहाँ वाले भाग से ऐसे देखेंगे, यहाँ जो यह एंड पोर्शन है इससे हमें अंदर की ओर से ऐसे ले लेना है इस सेंटर से, और इसके साथ में पर्ल इस तरह से पिरोएंगे। हम इस तरह से पिरोकर यह राउंड को छोड़कर यहाँ तक ऐसे स्टिच कर लेना है इस तरह से। इस तरह से राउंड को छोड़कर प्रत्येक रो पे हमें इस तरह से लगा लेना, एक राउंड को छोड़ देना है। मैं यहाँ तक कर लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे ये पर्ल लगा दिया गया है, इवन कि मैं इस सब में भी लगा लिया है। आप चाहें तो इसे और भी सजा सकते हैं, जैसे ये किनारे तरफ इस पे भी आप सजा सकते हैं, इस पे आप स्टोन वगैरह से इसको और भी सजा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।